दोस्तों, शनि ग्रह पर एलियंस मौजूद हैं। अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हो गए हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों को कुछ सबूत मिला है शनि ग्रह पर, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि शनि ग्रह पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा सबूत है, किस बेसिस पर वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, रहस्यों से अंतरिक्ष भरा पड़ा है। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, जबकि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो रहस्य हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष को समझने और उसके रहस्यों को जानने के लिए सालों से रिसर्च कर रहे हैं। अब इस बीच वैज्ञानिकों ने शनि के बर्फीले चंद्रमा इंसिलेडस के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि इंसिलेडस के ध्रुवीय क्षेत्र से अंतरिक्ष में पानी के बड़े बड़े फव्वारे निकल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इन फव्वारों के साथ अंतरिक्ष में जैविक कण भी फैल रहे हैं। वैज्ञानिकों के इस खुलासे के बाद अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये फव्वारे कैसे छूट रहे हैं, क्या वहाँ पर एलियन मौजूद हैं? इस घटना से वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल शनि के चंद्रमा इंसिलेडस के क्रस्ट में तरल बर्फीला समुद्र मौजूद है, जो सूरज की गर्मी से भाप बनता है। शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से खींचकर भाप बाहर निकलता है। इसके बाद चांद की सतह से इस तरह के फव्वारे निकलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कैसनी स्पेसक्राफ्ट ने साल 2008 से 2015 के बीच इस चांद की तस्वीरें ली थी, जिसके बाद वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए हैं। नासा के कैसनी स्पेसक्राफ्ट ने इंसिलेडस से पानी के फव्वारे को निकलते हुए देखा है। इसके साथ ही कैसनी में लगे मास स्पेक्ट्रोमीटर ने जो देखा वो हैरान करने वाला है। उसने इन फव्वारों के साथ उन जैविक कणों को निकलते हुए देखा जो जीवन को पैदा करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी वहां पर मौजूद है। कैसनी की जांच से जानकारी सामने आई है कि इंसिलेडस के समुद्र में ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंटस हैं जो रहने योग्य हैं। जैसी धरती के समुद्रों की गहराइयों और अंधेरे में कुछ गुफाएं देखने को मिलती हैं, इतनी गहराइयों और अंधेरे में आमतौर पर ऐसे जीव रहते हैं जो मीथेन गैस के माध्यम से सरवाइव करते हैं। धरती पर इनकी वजह से जीवन शुरू हुआ था, इसलिए वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि शनि ग्रह के चांद इंसिलेडस पर भी मिथेनोजेन्स मौजूद हो सकते हैं और समुद्र में भी सूक्ष्म जीव जीवित हो सकते हैं। हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित इंसिलेडस एक बर्फीला संसार है। इस चांद पर सतह के नीचे समुद्र है। बृहस्पति के चांद यूरोपा और नेपच्यून के चांद ट्राइटन पर भी ऐसी दुनिया होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ की वायुमंडल और क्षेत्र जीवन के विकास के अनुकूल होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों को वहाँ जाना चाहिए और एलियन जीवन की खोज करनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने कई बार जोर देकर कहा है कि सुदूर तारों और ग्रहों पर एलियन जीवन है और वो इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है एलियंस को लेकर। ये सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है शनि ग्रह के चांद इंसिलेडस पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं, एलियंस शहर वहां पर मौजूद हो सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।